हमारी इतनी संख्या है कि हमको किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। उनका जो अपना घर है उसको वो ठीक करें, ये लगता है ज़्यादा बेहतर होगा उनके। स्वाभाविक है ना, वहाँ तो परिवारवाद है, पिता के बाद कौन पुत्र अध्यक्ष होगा, फिर उनके फिर कौन पुत्र अध्यक्ष होंगे। IVTV देखता है इंडिया। सर, चिराग पासवान ने JDU को, जो JDU पे आरोप लगाया है, कहा है कि पार्टी को तोड़ने का काम JDU कर रही है, एक सीट के लिए JDU जो है वो लोजपा को तोड़ने का काम कर रही है। क्या लगता है किस हद तक चिराग पासवान का बयान या आरोप सर सही है? देखिए, लोजपा श्री पशुपति पारस जी जो हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनके नेतृत्व में है, और लोजपा आज भी केंद्र में और NDA के साथ है। अब श्री चिराग पासवान जी माननीय सांसद, इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। हमारी इतनी संख्या है कि हमको किसी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बूते सरकार चलाना जानते हैं, हम अपने बूते सरकार बनाना जानते हैं, इसलिए वो उनका जो अपना घर है उसको वो ठीक करें, ये लगता है ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। सर, राजद में अंदरूनी लड़ाई देखने को मिल रही है, तेज प्रताप ने तेजस्वी को कहा कि वो लालू प्रसाद को बंधक बनाए। स्वाभाविक है ना, वहाँ तो परिवारवाद है, पिता के बाद कौन पुत्र अध्यक्ष होगा, फिर उनके फिर कौन पुत्र अध्यक्ष होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वही स्थिति है, पंडित नेहरू, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, और भी आने वाले पीढ़ी में गांधी सब तो हैं, और फिर जो नया नाम जुड़ेगा। तो जहाँ परिवारवाद है, जहाँ परिवार के लिए इस देश में राजनीति की जा रही हो, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की तो बातें होंगे ही। जहाँ सत्ता सर्वोच्च, हमारे लिए जो हमारा संकल्प है वो, उसकी सिद्धि कैसे हो राष्ट्रहित में, ये हमारा पैमाना है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे कि कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस चाह रही थी कि वो अपना उम्मीदवार उतारे, लेकिन RJD ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, गणेश भारती को उन्होंने उतारा कुशेश्वर स्थान से। क्या लगता है कि इसके बाद महागठबंधन में टूट दिख सकती है क्या? देखिए, महागठबंधन में टूट होगा कि नहीं होगा ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन हमारे NDA के दोनों उम्मीदवार मजबूती से चुनाव जीतेंगे भी, और फिर एक बार इस दोनों उपचुनाव में हम अपनी ताकत को दिखाएंगे, क्योंकि हमने राज्य के लिए काम किया है, राज्य के लोगों के लिए काम किया है, और हमारा जो गठबंधन है वो कोई सत्ता के लोभ का गठबंधन नहीं है। हमने नीतियां बनाई है, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 का लक्ष्य लिया है, और उस पर हम सब काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बात करेगा चिराग पासवान ने, जो आज ट्वीट करके JDU को घेरा है, JDU पे इल्ज़ाम लगाया है, JDU पे आरोप लगाया है कि JDU जो है पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। इस पे तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि चिराग को अभी इस वक्त ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। आप देख रहे हैं IVTV, सहयोगी सोनू के साथ श्रद्धा सुमन, पटना।